नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गोरखपुर में भाईजी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बात आती है तो भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक जगत की कोई भी ऐसा कार्य जो गत सदी में कम से कम 70 वर्षों के एक लंबे कालखंड का अगर हम अनुभव करें, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सर्वे भाई जी की सहभागिता न रही हो, ऐसा कोई भी बड़ा कार्यक्रम, बड़ा अभियान, बड़ा आंदोलन हम लोगों की नजर में ऐसा नहीं दिखता। और गोरखपुर को तो उन्होंने जैसे अपने साहित्यिक साधना का ही केंद्र बिंदु बना दिया था। 1927 में कल्याण पत्रिका का गोरखपुर से प्रकाशन होना, कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी साहित्यिक साधना के माध्यम से उन्होंने न केवल कल्याण के माध्यम से बल्कि सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी वैदिक साहित्य को, पौराणिक साहित्य को गीता प्रयोग के माध्यम से प्रकाशन, उसके प्रचार प्रसार, हर घर तक वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य को पहुंचाने का कार्य और कल्याण को हर घर तक पहुंचा करके कल्याण केवल एक आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ न बने बल्कि एक पारिवारिक जीवन का, एक सद्दृष्टि जीवन का एक पवित्र ग्रंथ भी बन जाए, मार्गदर्शिका भी बन जाए, यह मुझे लगता है कि गत शताब्दी में सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग का भाव और श्रद्धा का भाव रखने वाला कोई भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने कल्याण पत्रिका को अपने घर में न बुलाया हो, अपने घर में न मंगाया हो और जिसके घर में कल्याण जैसी पत्रिका न आती रही हो। और अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो यह सर्वे भाई जी की साहित्यिक साधना को जाता है। साधना का एक तत्व होता है कि जिस भाव में रहकर के साधना की जाती है उसके परिणाम भी उसी भाव के प्राप्त होते हैं। और लोक कल्याण का जो भाव था, राष्ट्र कल्याण का जो भाव सर्वे भाई जी के अंदर था, वह तत्पथ पर हम सबको दिखाई देता है। राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं, सर्वे भाई जी ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ब्रिटिशर ने उन्हें यातना दी, उन्हें इसके बारे में प्रताड़ित भी किया। हर तरीके से कल्याण की पत्रिकाओं को उन्होंने जब्त भी किया, उनके मार्ग में बाधक भी बने, लेकिन अपने समय से भारत के स्वाधीनता आंदोलन का कोई भी ऐसा प्रमुख नेता या कोई भी ऐसा प्रमुख क्रांतिकारी नहीं था जिनके संपर्क में सर्वे भाई जी न रहे, उनके गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भागीदार न बने हो। आजादी की लड़ाई में और साहित्य साधना के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना है, इस ध्येय के साथ वे भी निरंतर कार्यरत रहे। बहनों भाइयों, आज जब हम सर्वे भाई जी का स्मरण कर रहे हैं, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, जीवन केवल जीने के लिए नहीं बनता है,
मनुष्य जीवन का और ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ कृत्य अगर है, एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके व्यक्ति अगर प्रयास करता है, उसके अनुरूप आचरण करता है, अपने व्यक्तित्व को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। आजादी की लड़ाई के उपरांत भारत को कैसा बनना चाहिए, उस समय फिर उनकी लेखनी जिस संस्कारयुक्त परिवारों को सदग्रस्तों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी लेखनी की धार को उसके माध्यम से हम कल्याण के माध्यम से आज भी देख सकते हैं। उनके द्वारा जो साहित्य सृजन किया गया है उनके माध्यम से भी हम सबको देखने को मिलता है। और साहित्य साधना की एक लंबी श्रृंखला उन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से दी। गीता प्रेस आज भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सनातन धर्म का साहित्यिक प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। इसके पीछे का कारण है सरदेव भाई जी की साधना। सरदेव भाई जी ने उस कालखंड में जन्म रखी, जिस प्रकार की साधना को उन्होंने आगे बढ़ाया था उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला। जब गत वर्ष गीता प्रेस की स्थापना की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे थे, गीता प्रेस ट्रस्टी बोर्ड से जुड़े हुए लोग मेरे पास आए थे 2022 में। उन्होंने मुझसे कहा कि गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम होने हैं, इसका उद्घाटन का कार्यक्रम। मैंने कहा भी ये सब बोलने से नहीं काम चलने वाला, यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गीता प्रेस जैसी संस्था के 100 साल पूरे हो रहे हो, एक सामान्य नहीं असामान्य घटना है, और असामान्य घटना के लिए असामान्य कार्यक्रम हमें बनाने चाहिए। असामान्य कार्यक्रम कैसे हो, तो मैंने कहा देखो इसमें हमारा प्रयास हो कि भारत के शीर्ष संवैधानिक प्रमुखों को इस अवसर पर बुलाया जाए, वर्ष भर अलग अलग प्रकार की गोष्ठियां हो, भारत के वैदिक साहित्य पर, भारत के पौराणिक साहित्य पर, भारत के उपनिषदों पर, भारत के शास्त्रों पर एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने की शुरुआत की जानी चाहिए। भारत का जो वैदिक साहित्य आज हम सबको देखने को मिलता है, श्रवण परंपरा से आज जिस ग्रंथों के माध्यम से हम सबके सामने सुलभ है, आखिर यह भी किसी चिंतन की देन है, भारत की ऋषि परंपरा की देन है। अगर उन ऋषियों ने इस चिंतन को आगे नहीं बढ़ाया होता, सर्व परंपरा के साथ ही जुड़ा होता, यह देश गुलाम हुआ होता, गुलामी के बाद पूरी परंपरा नष्ट हो गई होती, सारी चीजें हमारी समाप्त हो गई होती। आत्मविस्मृति का अभाव जो आज हम सबको देखने को मिलता है, आत्मगौरव का अभाव जो आज हर एक पक्ष में तुरोहित होता हुआ दिखाई देता है, यह हमें उस कालखंड में भी दिखाई दिया होता अगर हमारे पास वैदिक साहित्य इतना उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता तो। हमने बाद में गुलामी के कालखंड में जब हम लोग अपनी आत्मविस्मृति के दौर से गुजर रहे थे, उस कालखंड में भारत की वैदिक साहित्य को लेकर के दुनिया के अनेक देशों ने अनेक शोध किए, अनेक उपलब्धियां हासिल की। आज भी आप देखेंगे तो गोरखपुर से सीएम योगी को सुन रहे थे आप। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गीडा क्षेत्र शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया है। सीएम योगी ने इस दौरान संबोधन भी अपना दिया, क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की युवाओं का आह्वान किया था कि नौकरी की बजाय हम उद्यमिता पर ध्यान दें,
अधिक पैसा कमाना है, अधिक अवसर प्राप्त करने हैं, तो उद्यमिता इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और दुनिया के अंदर आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छूने वाले किसी भी देश ने इस क्षेत्र में, जहां उन्होंने उद्यमिता पर, नवाचार पर, शोध और विकास के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, वही देश आज वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, दुनिया की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के लिए, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए अच्छा निवेश भी हो। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के 6 महीने के बाद मैंने तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री और उस समय के अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को मैंने बुला करके कहा, मैंने कहा भी यूपी के अंदर सरकारी नौकरी के साथ साथ युवाओं की भावनाओं के अनुरूप उन्हें नौकरी के अनेक अवसर अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। और आप मुझे अगले 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि कितने का निवेश यूपी में हो सकता है। उसी के अनुरूप हम लोग अपना इन्वेस्टर समिट आयोजित करेंगे। 2 महीने के बाद टीम मेरे पास आती है तो उन्होंने कहा कि साहब हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने उनसे कहा भाई यूपी की आबादी कितनी है, आपसे 6 वर्ष पहले की बात, 7 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा साहब लगभग 23 करोड़। तो मैंने कहा भाई 23 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए 20,000 करोड़ से क्या होगा। एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा यूपी में कौन निवेश करेगा, हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। हमने कहा यूपी में देश और दुनिया का हर उद्यमी और हर निवेशक निवेश करेगा, ऐसा हम यूपी बनाएंगे। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुए, जिसमें से 10 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, यानी उसका शिलान्यास किया है। और 10 लाख करोड़ का आज हमारे पास पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम आगे बढ़ा करके उसका भी शिलान्यास करवा देंगे। बैनर भाई के मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 कक्षों का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपने सीएसआर मद से 1,05,00,000 रुपए खर्च करके इस सभी निर्माण का कार्य एक समय सीमा के अंदर यहां पे संपन्न किया है। हम लोग अक्सर देखते थे गुरुकुल विद्यालय की स्थापना 1935 में हुई, कहते हैं गुरुकुल विद्यालय से चलने वाली आध्यात्मिक और राजनीतिक
गतिविधियों को देख करके देश की आजादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने 5 वर्ष तक इस संस्था को बंद करके भी रखा, लेकिन उस सब के बावजूद फिर से यह संस्था पुनर्जीवित हुई और गुरुकुल स्कूल के रूप में प्रारंभ हुई। आज यहां पे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में यह संस्था संचालित हो रही है। समय के अनुरूप जब कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो नहीं चल पाता है तो वह पिछड़ जाता है, और यही स्थिति कहीं ना कहीं गुरुकुल स्कूल के साथ भी हुई। आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के संसाधन, उस प्रकार का स्वरूप में कमी होने के नाते लगातार छात्रों की संख्या भी कम हुई, और समय के अनुरूप उस प्रकार के संसाधन जुटने में कठिनाई होने के कारण संसाधनों के अभाव में जो यहां की आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने यहां पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण से और मंडलायुक्त गोरखपुर से कहा कि स्थानीय संस्था है उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, और मैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सीएसआर निधि का बेहतरीन उपयोग करते हुए आज यहां पर इस सभागार के साथ साथ यहां कुछ क्लासरूम, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि देने के लिए पहल प्रारंभ की है। हमें याद रखना होगा कि हम सब इस समाज के हिस्से हैं, कोई भी इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, और समाज में जब भी विषमता होगी तो उस विषमता का खामियाजा अंततः पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये विषमता सामाजिक हो या आर्थिक, हर हाल में इस विषमता को हमें दूर करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि विषमता हमेशा लोगों को तमाम प्रकार की संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके रखती है और एक बड़े तबके को सुविधाओं से वंचित करके रखती है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह सामाजिक विषमता हो या आर्थिक विषमता, इसको जितना न्यूनतम करने में हम योगदान दे सकते हैं हमें उसमें अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, और खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जब भी चुनाव आते हैं तो चाय कॉफी चर्चा में रहने लगती है। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक चाय वाले से चर्चा की है और ये जानने की कोशिश की कि इस बार सियासी हवा किस तरफ बह रही है और इस बार राजनीति का जो माहौल है वो कैसा है, राजनीति का जो ऊंट है वो किस तरफ करवट लेगा। इस चर्चा में के जो कुछ अंश हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। राजस्थान जा रहे थे और रास्ते में हरियाणा में हम एक जगह रुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 तारीख को चुनाव है हरियाणा में, और परिवर्तन की लहर एक चल रही है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात का दावा करते हैं कि 10 सालों में खट्टर सरकार ने, हालांकि अब सैनी सरकार है, खट्टर सरकार नहीं है, लेकिन 10 सालों में खट्टर सरकार ने आम जनता तक वो नहीं पहुंचे। किसानों का तमाम आंदोलन में उनको रोका गया, वो पंजाब से जो किसान आते थे हरियाणा के उनको दिल्ली बॉर्डर पर रोक लिया गया। अब मुद्दे तो बहुत सारे, हालांकि हुड्डा जी भी 10 साल यहाँ पे सरकार रह चुके हैं, अब दीपेंद्र हुड्डा उनका बेटा काफी अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कांग्रेस, क्योंकि और कांग्रेस में कुमारी शैलजा को भी लेकर के तमाम इस तरह के मतभेद चल रहे हैं। लेकिन मैं अभी चाय पीने रुका, तो अब ये राजनीतिक बातें तो स्टूडियो में मैं करूंगा, और मैं समय यहां रुका और हमने इनसे चाय मांगी। और एक बड़ी बात है, मैं चाहूंगा कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट और नजदीक रहे जिससे कि आवाज हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चाय हमने पी और बहुत ही अच्छी चाय हमने मिली यहाँ पे, और जब हमने इनसे नाम पूछा, भैया नाम क्या है आपका? रिजवान अहमद। जरूरी है कि अक्सर क्या होता है कि चाय वाला अक्सर गुजरात का होता है, और उसकी चाय सबको बहुत अच्छी लगी थी 2014 से 2024 तक, लेकिन चाय थोड़ी फीकी पड़ी क्योंकि 242 इस बार सीटें आई थी। जो रिजवान जी आपकी चाय बहुत बेहतरीन है, और
हालांकि आप रिजवान हैं तो आप जब भी कुछ बोलेंगे तो जो दर्शक है वो कुछ और समझेंगे। तो ये मुझे बताइए कि आप इस बार क्या लग रहा है, आपको किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार इन्होंने बोली, तो अब ये रिजवान बोल रहे हैं तो इसके भी दो मतलब निकाले जाएंगे। तो रिजवान जी क्यों, आखिरकार कांग्रेस ही क्यों बनेगी? भाजपा की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, पहले किया था अब नहीं हो रहा है, हुआ था अब नहीं। अच्छा क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ? लॉकडाउन से लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन में पूरा धंधा खत्म कर दिया। लॉकडाउन तो देखिए आप प्राकृतिक आपदा थी, तो उसमें सरकार ने तो कोशिश की थी, तो उसमें कैसे आप दोषी मानते? कोई ऐसा आप बताइए कारण जिसमें भाजपा ने खराब काम किया, वो मुझे कारण बताइए। जी पढ़ाई छूट गई, लॉकडाउन लगा दिया, आने जाने का कहीं रहे थे नहीं, पढ़ाई का जो पैसा था वो भी नहीं कमा पाए, तो घर ही बैठ रहे, तो यही अब चाय बना रहे हैं। हालांकि चाय बहुत बेहतरीन चाय इन्होंने बनाई और मैं इसकी तारीफ करूंगा, इसलिए मैं इनसे और भी चाय बनवा रहा हूँ, ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अब बात इसकी कि आपने भाजपा का तो कारण बताया कि वो सरकार में नहीं आ रहे, कांग्रेस आपने बताया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस की सरकार क्यों आ रही है, इसका भी कारण बताइए। जी इसने बहुत बच्चे मतलब जो पढ़े लिखे हैं वो लगाए हैं सरकारी नौकरी में भी, प्राइवेट में भी सब कुछ लगाए, और ये ज्यादा करके पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो सर ये कांग्रेस पार्टी है, ये पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती है, मतलब अपने काम से मतलब नहीं रखती, ज्यादा पब्लिक पे ज्यादा ध्यान रखती है, इसलिए मुझे लगा कि कांग्रेस सरकार बन सकती है। अरे हम हरियाणा में हम खड़े हैं क्योंकि रात का समय है, मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा कि हम किस जगह पर, हरियाणा में किस जगह पर हैं भैया? फिरोजपुर जिरका। तो आप ये समझिए कि हम किसी दिल्ली के गांव से नहीं बात कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मीडिया की जो सच्चाई है वो आपको समझनी पड़ेगी, हम हरियाणा के शहर से हम ये बातचीत कर रहे हैं, हालांकि ये हाईवे है। और जैसा रिजवान जी ने बताया कि उन्होंने कारण बताया कांग्रेस क्यों आएगी और भाजपा क्यों नहीं आएगी, आपसे तमाम हम ऐसी बातचीत करते रहे और ऐसे तमाम जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो हरियाणा प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, उनसे हम बातचीत कराएंगे और ये जानेंगे आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। और उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।